गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तवांग। तो हम है बाइक पे और हम जा रहे हैं आज डीसी ऑफिस, क्योंकि कल बुमला पास जाना है तो उसके लिए लगेगा परमिट, और इसलिए हम जा रहे हैं डीसी ऑफिस वहां से परमिट लेने के लिए। तो हम पहुंच गए डीसी ऑफिस, बाइक पार्क कर दिया, अब हम जा रहे हैं अंदर। हर एक डॉक्यूमेंट का IMP, आधार कार्ड, बाइक का RC और बाइक का इंश्योरेंस, दो दो कॉपी सबका लेके आना। तो बहुत ढूंढने के बाद एक जेरोक्स का दुकान मिला, चलिए अब जेरोक्स करवा लेते हैं। ये जेरोक्स होगा, जेरोक्स कर दीजिए। तो ये हमारा जेरोक्स हो गया, अब पेपर्स लेके जा रहे हैं डीसी ऑफिस। भैया अभी इसको आर्मी कैंप में जमा करना है और कल सुबह ये मिलेगा। हाँ, तो अभी इसको लेके जाना है वॉर मेमोरियल के पास, वहाँ पे जाके किसी से भी पूछेंगे कि कहाँ जमा करना है, और ये जमा कर देंगे, फिर इसमें ब्रिगेडियर का साइन होगा, साइन होने के बाद ये कल सुबह मिलेगा, तो फिर ये लेके हम लोग जा पाएंगे। तो हम पहुँच गए हैं वॉर मेमोरियल और यहाँ पेपर्स जमा कर दिए, अब थोड़ा सा घूम लेते हैं। यहाँ पर कल कुछ प्रोग्राम है इसलिए सब लगे हुए हैं काम पर। तो ये वॉर मेमोरियल उन जवानों की यादों में बनाया गया है जो जवान 1962 के इंडो चाइना वॉर के दौरान शहीद हो गए थे और जो इस तवांग सेक्टर में लड़े थे अरुणाचल से, उन जवानों को याद करते हुए उनकी मेमोरीज़ और उनके नाम सारे यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी मेमोरी को ज़िंदा रखते हुए ये वॉर मेमोरियल बनाया गया। सो हैट्स ऑफ टू दोज जवान्स, जय हिंद। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल अभी हमें कहीं जाना नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना बाइक को सेरिंग भाई के यहाँ दे देते हैं वॉश करवाने के लिए। तो बाइक देकर हम पहुँच गए अभी रूम, और रूम देखिए कितना क्लीन। हम चाबी देकर गए थे यहाँ होटल में और उन्होंने क्लीन कर दिया, और यहाँ रूम से बाहर का व्यू देखिए कितना सुंदर आ रहा है। तो हम रूम आए थे और थोड़ा हेलमेट वेलमेट रख दिए, थोड़ा सा पानी वानी पिए, अभी निकल रहे हैं खाना खाने के लिए। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 12:30 बज रहे हैं और हमें भूख लग गया, इतना ऊपर नीचे किए तो भूख लग गया हमें। तो अभी जाते हैं, कल जहाँ पर खाए थे वहीं पर जाएंगे। बैग धुलाने के लिए दे दिया है हमने, तो वो धुलाई। कल जा रहे हैं बुमला पास और बाइक काफ़ी गंदा हो चुका था, तो इसीलिए वहाँ पे जाके बहुत अच्छे अच्छे फोटो खींचने हैं, इसीलिए बाइक का धुलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज हमने धोने दे दिया है। और कल एक्सपेक्ट करें बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आएंगे हमारे तीनों के, तो लेट्स सी। चल तो चलिए पहले खाना खाते हैं, फिर देखते हैं अगर कोई जाना हो तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए। तो फिर मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। पहुंच गए हैं तवांग व्यू पॉइंट
और खाना वाना कंप्लीट, अभी हम आप पहुँचे हैं तावांग व्यू पॉइंट। यहाँ से नज़ारा देखिए कितना सुंदर, और थोड़ा एक देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि और कहीं आज जाना नहीं है, कल जाना है हमें बुमला पास, और हमारा सब परमिट हो गया, मैं हम डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है। कल सुबह हमें एक टोकन नंबर दिया गया, तो कल सुबह हमें कलेक्ट करना होगा डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें ब्रिगेडियर का सिग्नेचर पड़ता है, तो वो सिग्नेचर करके हमें वो डॉक्यूमेंट दे देंगे जो बुमला पास के एंट्री पॉइंट में चेक होगा, और फिर हम वो एंट्री कर पाएंगे। तो अभी कुछ देर यहाँ पर एंजॉय करते हैं व्यू, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने ये है सर्किट हाउस, जा रहे हैं बुद्ध स्टैचू देखने। देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है सब कुछ। कॉफ़ी, बहुत ठंड है बाहर, और कल का दिन बहुत खास है क्योंकि हम जा रहे हैं कल बुमला पास। तो बुमला पास यहाँ से 32 किलोमीटर से अप्रॉक्स, तो जैसा आज हम लोग वॉर मेमोरियल गए थे तो वहाँ एक जवान से बात हुआ, तो बोल रहे थे कि शायद 1 आवर भी नहीं लगेगा, उससे पहले ही हम पहुँच जाएंगे यहाँ से, जितने बजे भी निकलेंगे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और बहुत एक्साइटेड है कल का जर्नी के लिए, क्योंकि ये 15,200 फीट पे है, प्लस इंडो चाइना बॉर्डर है, सो दोनों चीज़ें बहुत एक्साइटिंग हैं। आई डोंट नो कितना हम लोग वीडियो कर पाएंगे, बट जितना कर पाएंगे आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं सीरीज के एक नए वीडियो के साथ, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।